गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास. टुडे वी विल डू चैप्टर 5 न्यू वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर फ्रॉम ग्रीन पाथवे बुक. सो वी स्टार्ट फ्रॉम न्यू वर्ड्स. नंबर 1 इज लीडर. लीडर मीन्स हेड. हेड. नंबर 2 एनिमीज. एनिमीज मीन्स फोर्स, दुश्मनों या फिर दुश्मन. नंबर 3 फॉरवर्ड. फॉरवर्ड मीन्स मूविंग अहेड, आगे बढ़ना. मूविंग अहेड, आगे बढ़ना. नंबर 4 प्रोड्यूस. प्रोड्यूस क्रिएट. क्रिएट बनाना या फिर निर्माण करना. नंबर 5 कंज्यूम. कंज्यूम मीन्स टू टेक, ग्रहण करना, प्राप्त करना या फिर चुनना. टू टेक का मीन्स क्या होता है, कंज्यूम का मीन्स होता है ग्रहण करना, प्राप्त करना या फिर चुनना. ठीक है, दोबारा से पढ़ते हैं. लीडर हैड. एनिमीज फोर्स, दुश्मन. नंबर 3 फॉरवर्ड मूविंग अहेड, आगे बढ़ना. नंबर 4 प्रोड्यूस क्रिएट, निर्माण करना, बनाना. नंबर 5 प्रोड्यूस टू टेक, ग्रहण करना, चुनना. ठीक है, ये थे न्यू वर्ड्स. अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर चैप्टर 5 के. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स. विच एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स. कौन से एनिमल है जो ग्रुप्स में रहते हैं, झुंड में रहते हैं. आंसर है काओस, बफेलोस, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, जीब्रास एंड डियर्स आर सम एनिमल्स दैट लिव इन ग्रुप. कौन कौन से एनिमल्स थे, काओ, बफेलो, हॉर्सेस, ग्रुप, एलिफेंट, जेब्रा, डियर. ये सारे एनिमल्स हैं जो कि ग्रुप में रहते हैं. ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट आर शाई एनिमल्स. नेम 5 शाई एनिमल अराउंड अस. शाई एनिमल्स क्या होते हैं, किन्हीं 5 शाई एनिमल्स के नाम लिखिए जो हमारे आगे पीछे रहते हैं. ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है शाई एनिमल्स क्या होता है. तो सबसे पहले बताते हैं शाई एनिमल्स क्या होता है. आंसर है शाई एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच रन अवे व्हेन एनी पर्सन मूव्स टुवर्ड देम. शाई एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो कि हमसे दूर भागते हैं जब कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान उनके पास जाता है. ठीक है, शाई एनिमल्स आर दोज एनिमल विच रन अवे. वो हमसे दूर चले जाते हैं जब भी हम उनके पास जाते हैं. आगे सेकंड इसी में पूछा था नेम 5 शाई एनिमल्स अराउंड यू. हमारे आगे पीछे कौन कौन से शाई एनिमल्स हैं. सम शाई एनिमल्स आर बर्ड्स. बर्ड्स शाई एनिमल होते हैं. स्क्वायरल, डियर्स, मॉन्कीज एंड कैट. ठीक है, बर्ड्स, स्क्वायरल, डियर, मॉन्की एंड कैट ये वो एनिमल्स हैं, शाई एनिमल्स जो हमसे दूर चले जाते हैं जब हम उनके पास जाने की कोशिश करते हैं. तो वो होते हैं शाई एनिमल्स. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डू हनी बीज प्रोड्यूस हनी. हनी बी शहद कैसे बनाती है. प्रोड्यूस मतलब बताया था ना, बनाना, निर्माण करना. ठीक है, तो हनी बी शहद कैसे बनाती है. आंसर है हनी बी प्रोड्यूस हनी बाय कलेक्टिंग नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर. हनी बी कैसे प्रोड्यूस करती है, हनी बी बनाती है हनी कलेक्ट करके नेक्टर फ्लावर्स में से. नेक्टर क्या होता है, स्वीट लिक्विड होता है, फ्लावर्स के अंदर होता है, उसे हम नेक्टर बोलते हैं. वो कलेक्ट करता है एंड स्टोर इट इन दी स्पेशल हनी स्टोरिंग स्टमक. और उसे स्टोर कहाँ कर लेती है, अपने हनी स्टोरिंग स्टमक होता है. उनके पास 2 स्टमक होते हैं, एक में वो हनी स्टोर करती है, ठीक है, और एक में उनका जो खाना होता है वो होता है. ठीक है, तो स्टोर इट इन दी स्पेशल हनी स्टोरिंग स्टमक एंड व्हेन देयर स्टमक इज फुल दे स्पिट आउट द नेक्टर इनटू द सेल्स ऑफ देयर हाइव्स. जब उनका स्टमक फुल हो जाता है तो वो सारा जो नेक्टर है वो स्पिट कर देती है, थूक देती है अपने सेल्स के अंदर जो कि उनके घर में होता है, हाइव होता है उनका, मधुमक्खियों का छत्ता. तो मधुमक्खियों के छत्ते के अंदर, सेल्स के अंदर वो स्पिट कर देती है नेक्टर जब उनका स्टमक फुल हो जाता है. फिर क्या करती है, द सेल्स आर सील्ड विद वैक्स. और उन सेल्स को वैक्स से, जो अपने माउथ से प्रोड्यूस करती है वैक्स को,
सेल्स के अंदर लगा देती है और सील कर देती है। आफ्टर अ फ्यू डेज दिस नेक्टर टर्न्स इनटू हनी, और कुछ दिन बाद वो जो नेक्टर होता है वो हनी में टर्न कर जाता है, मूव कर जाता है। तो आंसर था ये हमारा, हनी बी प्रोड्यूस कैसे करती है, हनी बी प्रोड्यूस हनी बाय कलेक्टिंग नेक्टर फ्रॉम दी फ्लावर्स एंड स्टोर इट इन दी स्पेशल हनी स्टोरिंग स्टमक, एंड व्हेन देयर स्टमक इज़ फुल दे स्पिट आउट द नेक्टर इनटू द सेल्स ऑफ देयर हाइव। द सेल्स आर सील्ड विद वैक्स, आफ्टर अ फ्यू डेज दिस नेक्टर टर्न्स इनटू हनी। ये था आंसर हमारा। आगे क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम ऑफ थ्री एनिमल्स विच हैव एक्सटर्नल ईयर्स। उन एनिमल्स के नाम लिखो जिनके कान बाहर होते हैं। एक्सटर्नल मीन्स बाहर, इंटरनल मीन्स अंदर। तो एक्सटर्नल ईयर्स मतलब बाहर कान होते हैं जिन एनिमल्स के, उनके हमने नेम लिखने हैं। तो आंसर इज द नेम ऑफ थ्री एनिमल्स विच हैव एक्सटर्नल ईयर्स आर एलिफेंट्स, फॉक्स एंड बैट्स। वो एनिमल्स जिनके कान बाहर होते हैं वो कौन होते हैं? एलिफेंट होता है, फॉक्स होती है और बैट्स होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हेयर एंड फर फॉर एनिमल्स। हेयर और फर एनिमल्स के लिए कैसे यूज़ होते हैं? तो एनिमल्स के हेयर और उनके फर कैसे यूज़ करते हैं, वो किस लिए यूज़ करते हैं? आंसर है द हेयर एंड फर हेल्प्स द एनिमल टू कीप द बॉडी वार्म। जो हेयर और फर होते हैं एनिमल्स की बॉडी पे, वो उनकी बॉडी को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। ठीक है। ज़्यादातर एनिमल्स जिनकी बॉडी पे हेयर होते हैं या फर होता है, वो होते हैं पहाड़ों पर, माउंटेन्स पर। तो उधर वहाँ जो ठंड होती है, इसलिए वो अपनी ठंड को कैसे कम करते हैं? अपने बॉडी के हेयर्स को, हेयर्स की मदद से। ठीक है। द हेयर एंड द फर हेल्प्स द एनिमल टू कीप द बॉडी वार्म। तो ये हमने क्वेश्चन आंसर और न्यू वर्ड किए चैप्टर 5 EVS के।